मटर के छिलके कितने गुणकारी हो सकते हैं आपके गार्डन में, तो इसे फेंकने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए कि हम इसे अपने गार्डन में किस तरह से और कितना लाभ इससे हम ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की वीडियो ये इसी टॉपिक पे होने वाली है कि मटर के छिलके की क्या लाभ हम अपने गार्डन में ले सकते हैं, इसे फेंकने से ज़्यादा बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इसमें आपको मिलेंगे जो कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को काफ़ी अच्छे से इन्हेंस्ड करेंगे। और भी इसके अलावा हम इसे करीब 5 यूज इस मटर के छिलके के बताएंगे जो कि आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा आपके पौधों को लाभ मिलने वाला है। और मटर का छिलका आप सभी को पता है कि सर्दियों में सभी घरों में काफ़ी अच्छी मात्रा में मटर यूज होता है और काफ़ी ढेर सारे छिलके निकल के आते हैं, तो इसे फिर आप गर्मी के लिए भी रख सकते हैं। कैसे इनको हम गर्मी के लिए रख सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग हम अभी सर्दियों में अपने गमलों में कर सकते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला और कॉमन मेथड है वो आप सभी को पता होगा कि इसको हम इस प्रकार से कंपोस्ट बिन में डालकर इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और ये देखिए ये बना हुआ कंपोस्ट हमारा, ये मटर के छिलके का नहीं है, ये पहले से हमने अपनी किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से मिला के कंपोस्ट बना रखा था, तो वो है ये। आप मैं आपको अपनी कंपोस्ट बिन को दिखाता हूँ। ये देखिए आपको इसमें मटर के छिलके साफ साफ नज़र आ रहे होंगे, तो इस प्रकार मटर के छिलके से आप कंपोस्ट बना सकते हैं अपने कंपोस्ट बिन के थ्रू। ये जो सबसे कॉमन और पहला मेथड है दोस्तों, ये करीब करीब 1.5 से 2 महीने इसमें लग जाते हैं इस प्रोसेस में कंपोस्ट बनने में। आपके पास अगर इस प्रकार से कंपोस्ट बिन नहीं है तो आप इसे किसी मटके में या किसी गमले में भी बना सकते हैं। मैं इसे इस कंपोस्ट बिन के अलावा मैं अपनी बाल्टी में इसे कंपोस्ट बनाता हूँ। बाल्टी में कंपोस्ट हमने कैसे बनाई है उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं कैसे उसे बनाना है। ये पहला और कॉमन मेथड है। अब मैं आपको दूसरे मेथड के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप इस मटर के छिलके से इंस्टेंटली इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने पौधों तक पहुँचा सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस प्रकार से हमने एक बकेट में इस मटर के छिलके को डाल के पानी डाल के छोड़ दिया है, करीब 2 से 3 दिन हो गए हैं। और इससे जो हम लिक्विड निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों ये उस बकेट से निकाली हुई लिक्विड है, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। ये देखिए इसमें जो पानी का कलर है वो मटर के छिलकों की वजह से आप देख सकते हैं ग्रीनिश हो गया है। और ये जो पानी है लिक्विड है कंपोस्ट है, इसको आप अपने किसी भी पौधे में तत्काल प्रभाव से दे सकते हैं। और इसका इसमें मटर के छिलके में जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको एनहेंस करने में ये काफ़ी मददगार होते हैं। और इसके अलावा इसमें माइक्रोफाइबर और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके पौधों की ग्रोथ पर डायरेक्ट असर करते हैं। तो इसमें कोई भी हमें अलग से पानी नहीं मिलाना है, डायरेक्ट आप अपने गमले में इसे दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए आप लिक्विड कंपोस्ट बना के इसे मटर के छिलकों को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो यूज होता है वो मटर के छिलकों को हम इस प्रकार कर लेते हैं कि जो हमने गमले भरने होते हैं उसमें हम नीचे जो ड्रेनेज होल है उसे हम कवर कर देंगे और नीचे जो एक लेयर है वो हम इस मटर के छिलके की डाल देंगे। अब इसके फायदे मैं आपको बताऊँ, एक तो गमले का वेट जो होता है वो हल्का होता है। देखिए इस प्रकार से हमने मटर के छिलकों से इसे एक लेयर भर दिया है, इससे क्या होता है जो गमले का वेट होता है वो कम हो जाता है मिट्टी भरने के बाद। इस लेयर के बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे जो भी पौधा हमें लगाना है। एक तो गमले का वेट कम हुआ, दूसरे इसमें जब हम पौधा लगा देंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक नहीं होगा मिट्टी से। तीसरा जो ये मटर का छिलका है ये धीरे धीरे मिट्टी के संपर्क में आने के बाद डिकम्पोस्ट होता रहेगा, तो जब आपका पौधा बड़ा होगा उसको रूट्स उसके नीचे जाएंगी तो जो उसको पोषक तत्वों की या कंपोस्ट की आवश्यकता होगी वो डायरेक्ट उसके रूट को यहाँ से मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा यूज है। और चौथा यूज दो मटर के छिलकों का है, वो आप इससे अभी मल्चिंग कर सकते हैं अपने गमलों में या फिर इसे ड्राई कर सकते हैं, धूप में सुखा लीजिए। इस मटर के छिलके को धूप में सुखाने के बाद आप स्टोर कर लीजिए और गर्मियों में जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, धूप काफ़ी तेज होती है, तो उसे पौधों पर गमलों में
मल्चिंग कर दिया जाता है, जिससे कि पौधे में जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो ना पहुंचे, और जब भी हम वाटरिंग करें तो पानी मिट्टी जो है वो पानी से खुदे नहीं, बाहर ना निकले। तो ये इस वजह से, और साथ में मल्चिंग करने का जो फ़ायदा होता है कि इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इससे जब ये पौधा, ये मटर का छिलका पानी में गीला होता है तो पानी के साथ इसके न्यूट्रिएंट्स निकल के पौधों को मिलते रहते हैं। तो ये कुछ चार तरीके हैं जिस प्रकार से आप मटर के छिलकों को यूज कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन में मटर का छिलकों को देखिए किस प्रकार से यूज करता हूँ, साथ में आप इसे यूज कर सकते हैं और इससे अपने पौधों को काफ़ी ढेर सारे लाभ पहुंचा सकते हैं, पौधों की ग्रोथ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।